हाय गाइस, माय नेम इज सुमन। अपने इस चैनल पर मैं खुद को हील करने की प्रोसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। आज का वीडियो है इमोशनल एजुकेशन पर, कैसे हम हमारे इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं और हम क्या मिस्टेक करते हैं जिससे हम हमारे इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं इमोशंस क्या होते हैं। इमोशंस होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में चलते रहते हैं। और एक अच्छा रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो कि ना तो ओवर एक्टिवेटेड है ना तो वो अंडर एक्टिवेटेड है। एक नॉर्मल स्टेट में जो नर्वस सिस्टम है वो है इमोशनली रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम। तो एक्चुअली ये जो नर्वस सिस्टम है इसमें आता है हमारा ब्रेन और इसमें आता है हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जिसमें कि होता है हमारा सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, वो होता है फाइट एंड फ्लाइट वाला सिस्टम। जब हम रिएक्टिव हो जाते हैं, जब लड़ाई झगड़ा करते हैं, जब हम भागते हैं, जब हम बचते हैं, ये जो एक्टिवेटेड सॉर्ट ऑफ नर्वस सिस्टम है ये है फाइट एंड फ्लाइट वाला नर्वस सिस्टम, ये कहलाता है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो दूसरा नर्वस सिस्टम है जो कि इसकी ऑपोजिट होता है, ये है रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला नर्वस सिस्टम। यहाँ पर हम बहुत काम एंड कूल और रेगुलेटेड होते हैं, हम अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं और इन दोनों के बीच में हमें फ्लक्चुएट होना होता है पूरा दिन। कभी हम फाइट एंड फ्लाइट के मोड में होते हैं, कभी हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मोड में होते हैं। लेकिन अगर हम अवेयर रहें कि अभी हाल फिलहाल हमारा नर्वस सिस्टम कैसा है तो हम बहुत आसानी से इसको रेगुलेट कर पाए। इसके लिए हमें चाहिए प्रॉपर एजुकेशन। इसलिए खुद को एजुकेट कीजिए अपने नर्वस सिस्टम के ऊपर कि नर्वस सिस्टम एक्चुअली क्या होता है, और बहुत सारे इसके ऊपर आपको पहले इंफॉर्मेशन देनी है। जिस चीज को आप अपने ब्रेन में एज इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, ये एज अ डेटा आपको इन फ्यूचर काम आती है, क्योंकि व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर। इसलिए खुद को पहली चीज की एजुकेट कीजिए कि कौन सा नर्वस सिस्टम क्या काम करता है। जब हम फाइट एंड फ्लाइट में होते हैं तो हम किस टाइप की सेंसेशंस फील करते हैं, किस टाइप की एक्टिविटीज करते हैं, और जब हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मोड में होते हैं तब हम किस टाइप के काम करते हैं। हम यूजुअली काम करते हैं लाइक क्रिएटिव काम करते हैं, हम रीजनिंग करते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, जिससे कि हमारे जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट जब हम फाइट एंड फ्लाइट के मोड में होते हैं हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते, हम सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल के मोड में होते हैं। जब हम सर्वाइवल के मोड में होते हैं ना हम हमारी बॉडी को ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप देखेंगे आज के इस टाइम में हम मोस्ट ऑफ द टाइम सर्वाइवल के ही मूड में रहते हैं, हमेशा हसल हसल हसल, भागो भागो भागो, लेट हो जाओगे, ये प्रॉब्लम आ जाएगी, ये प्रॉब्लम आ जाएगी, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से ना हम आज की डेट में मोस्ट ऑफ द टाइम फाइट एंड फ्लाइट के मूड में रहते हैं, ओवर एक्टिवेटेड नर्वस सिस्टम में रहते हैं। और हमें क्या करना है, हमें अपने इस नर्वस सिस्टम को करना है रेगुलेट। तो इमोशनल रेगुलेशन इज ऑल अबाउट इस फाइट एंड फ्लाइट से निकलकर हमें वापस से रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मोड में आना है, ताकि हम क्रिएटिव बन सके, ताकि नए नए आइडियाज आ सके, ताकि हम हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ताकि हम लॉजिकल जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके, हम रीजनिंग कर सके। तो ये चीजें हमारी लाइफ में हमें बेनिफिट दे सकती है एंड हमारी लाइफ को ग्रो कर सकती है, हम खुद को ग्रो कर सकते हैं अगर हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मोड में हैं और हम मोर अवेयर एंड मोर कॉन्शियस हो सकते हैं। तो अगर हम हमारे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना चाहते हैं तो हमें एक चीज जो समझनी है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ही गलत मेथड यूज कर रहे होते हैं। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे सामने एक टेबल है, बहुत बड़ी टेबल है, और मैं चाहती हूं कि मैं ना इस टेबल को अपने माइंड से यहां से हटा दूं। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या मैं अपने माइंड से उस टेबल को हटा पाऊंगी? नहीं, क्योंकि एक वो फिजिकल चीज है और उस फिजिकल चीज को यहां से वहां हटाने के लिए ना मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, इस फिजिकल बॉडी को ना यूज करना पड़ेगा। मैं अपने माइंड से उस फिजिकल चीज को नहीं हटा कर रख सकती,
यही सेम चीज हमारे काम आती है, हमारे नर्वस सिस्टम रेगुलेशन में, हमारे इमोशनल रेगुलेशन में, दैट मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमारा माइंड यूज करके हमारे इमोशंस को हम रेगुलेट करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एंजाइटी फील कर रही हूँ, या फिर कोई फियर मेरे अंदर आ रहा है, कोई इमोशन मैं फील कर रही हूँ, तो व्हाट माय माइंड विल से कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, चुप हो जाओ, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. बट ये जो इमोशंस होते हैं ना, एक्चुअली ये हमारे फिजिकल बॉडी में होते हैं, ये हमारी फिजिकल बॉडी की सेंसेशंस होते हैं. ये इमोशंस डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं इस बॉडी से. तो मैं सिर्फ अपना ब्रेन यूज करके अपने इन इमोशंस को ना रेगुलेट नहीं कर सकती, इनको नहीं समझा सकती. चाहे मैं अपना लॉजिकल माइंड कितना ही यूज करके मुझे ये नहीं करना चाहिए, चुप हो जाओ, ये चीज गलत है, अच्छी है, बुरी है, चाहे मैं कितने समझाने की कोशिश करूं, लेकिन अपने इमोशंस को मैं रेगुलेट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक रॉन्ग अप्रोच यूज कर रही हूं. क्योंकि ये इमोशन ना, ये कुछ भी मेंटल नहीं है, इसका मेंटली कोई कनेक्शन नहीं है. ये जो इमोशंस हैं, ये बॉडी की, फिजिकल बॉडी की सेंसेशंस हैं, इस फिजिकल बॉडी की रियलिटी है, इस फिजिकल वर्ल्ड की रियलिटी है. अगर हमें हमारे इमोशंस से कनेक्ट होना है, अगर हमें हमारे इमोशंस को रेगुलेट करना है, तो हमें क्या करना है कि हमें इस बॉडी से कनेक्ट करना है. इस बॉडी से हम इन इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं. आपको समझ आया होगा कि हमें क्या करना है. हमें करना है बॉडी से रिलेटेड वर्क, हमें करना है बॉडी वर्क. तो बॉडी वर्क के लिए एक जो बेस्ट टेक्निक मैं आपको दे सकती हूँ, जिससे आप इंस्टेंटली इस फाइट एंड फ्लाइट से इस रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मूड में आ सकते हैं, आपका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट होने की बजाय रेगुलेट हो जाए, वो टेक्निक जो है वो है पेरिफेरल विजन या आई लेटरल विजन. अब इसको करना कैसे, सिट डाउन एट एनी प्लेस, किसी भी जगह आप बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए. टेक थ्री डीप ब्रेथ्स, तीन डीप ब्रीदिंग आपको करनी है, और उसके बाद आपको क्या करना है, स्ट्रेट आपको देखना है दीवार पर, या फिर किसी भी जगह आप स्ट्रेट देख सकते हैं. स्ट्रेट देखकर आपको अपनी आईज जो है उसको कभी इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड मूव करना है, लाइक दिस. ये आपको कंटिन्यूसली करना है एटलीस्ट फॉर 60 seconds. आप 50 seconds टू 60 seconds अगर इस आई लेटरल विजन को करेंगे, इस आई लेटरल टेक्निक को करेंगे ना, तो इंस्टेंटली क्या होगा कि आपके बॉडी में होता है एक एमिग्डिला. ये एमिग्डिला होता है ना, ये क्या करता है कि ये जो हमारा एनवायरनमेंट है ना, उसको स्कैन करता रहता है कंटिन्यूसली, एंड देखता रहता है कि यहाँ पर कोई थ्रेट है कि नहीं. तो एक्चुअली जो हमारा एमिग्डाला है, हमेशा हमारे एनवायरनमेंट को चेक करता रहता है कि यहाँ पर कोई थ्रेट है कि नहीं. अगर उसे इस एनवायरनमेंट में थ्रेट नहीं मिलता ना, तो वो हमारे नर्वस सिस्टम में एक सिग्नल भेजता है, देयर इज नो थ्रेट, तो आप फाइट एंड फ्लाइट से बाहर आ जाओ और आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मोड में आ जाओ. तो ये एमिग्डाला होता है, ये हमें फाइट एंड फ्लाइट से तो बाहर निकालता है और रेस्ट और डाइजेस्ट के मोड में, और काम और क्वाइट मोड में ना हमें ला देता है, काम एंड पीसफुल मोड में हमें ला देता है. हम बड़े शांत हो जाते हैं, अब हमें कुछ भी एज अ थ्रेट फील नहीं होता है. एमिग्डाला का क्या काम होता है कि हमारे एनवायरमेंट में स्कैन किया, थ्रेट नहीं मिला, सिग्नल भेजा कि एवरीथिंग इज सेफ, सब कुछ सेफ है, अब आप इतना ज्यादा एक्टिवेट होने की आपको जरूरत नहीं है, आप रेगुलेट हो सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं. तो ये एक एक्सरसाइज आपको इंस्टेंट हेल्प कर सकती है आपकी एंजाइटी, आपके स्ट्रेस, और कोई भी एक अजीब सी फीलिंग अगर आपको आ रही है, उससे आपको बाहर निकालने में आपको मदद कर सकता है. एट लास्ट मैं आपसे एक बात कहूंगी, डू नॉट यूज योर माइंड ओनली टू इन्फ्लुएंस और टू रेगुलेट योर इमोशनल स्टेट. ये माइंड आपके इन इमोशंस के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है. अगर इमोशन एक बॉडी बेस्ड रियलिटी है,
तो इसके लिए एक बॉडी बेस्ड प्रैक्टिस की जरूरत है, ना कि हमारे माइंड के लॉजिक्स की जरूरत है। तो आई होप आपको ये आई लेटरल विजन वाली प्रैक्टिस अच्छी लगी होगी और इसने आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा। प्लीज इसको कंटिन्यूसली आपको ट्राई करते रहना है। प्रैक्टिस इज लाइक बिल्डिंग अ मसल, एक मसल को जैसे हम बिल्ड करते हैं टाइम के साथ और वो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होती जाती है, वैसे हर टेक्निक को, हर प्रैक्टिस को हमें बार 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 यूज करना है, उसको प्रैक्टिस करना है ताकि वो टाइम के साथ स्ट्रांग हो जाए, एक स्ट्रॉन्गर न्यूरल पाथवे हमारे ब्रेन में क्रिएट हो जाए। जब भी प्रॉब्लम आए वो इंस्टेंटली वो टेक्निक हमारे यूज में आ जाए। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।